हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सर, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए प्लांट को लेकर आए हैं। आज जो प्लांट है गुलाब का फूल, और इस गुलाब के फूल में आप देख पाओगे कि इसमें न्यू ब्रांचेस जो हैं वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक भी ऐसे ब्रांचेस नहीं है जो कि आपको लगे देख के कि ये न्यू ब्रांचेस है इसमें। आपको अगर मैं नज़दीक से दिखाऊं तो नए ब्रांच आपको कहीं नहीं दिखेंगे, सिर्फ सूखा हुआ फूल आपको दिखेगा। देखो ये सूखा हुआ फूल सब है, बहुत सारा फूल हमने कट भी किया है, यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारा हमने कट किया है, वो आपको मैं दिखा दूँ। देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख पाओगे कट किया है, यहाँ पे देख पाओगे कट किया है, तो इस तरह से बहुत सारे, देखो यहाँ पे कट किया है, वहाँ पे कट किया है, मतलब बहुत सारे हमने कट भी किया, वहाँ देखो कट किया है ये वाला, ठीक है। तो बहुत सारे हमने कट किया और बहुत सारा आपको सूखा सूखा फूल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको न्यू ब्रांचेस जो है इस पौधे में एक भी नहीं दिखेगा। ये क्या वजह होता है कि इन पौधे में न्यू ब्रांचेस नहीं निकलते, और जब न्यू ब्रांचेस नहीं निकलेंगे आपको पता है कि तो फिर नए फूल भी इसमें नहीं फलेगा, क्योंकि जो फूल फलते हैं अक्सर कोई भी प्लांट में तो न्यू ब्रांच निकलता है, न्यू कहीं से टहनी निकलता है, देन उसमें फूल फलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा एक भी पौधा, एक भी ब्रांचेस नहीं है, तो ब्रांचेस नहीं रहेंगे तो फूल भी नहीं फलेगा। तो आज हम वजह जानने वाले हैं और उसका उपाय करने वाले हैं कि क्या किया जा सकता है कि इसमें फूल फले और बहुत ज़्यादा फूल फले। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गुलाब के फूल का, उसमें मैंने दिखाया था कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आज कुछ इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें सूखा हुआ फूल है, ये सूखा हुआ फूल हमें कट करना चाहिए था, जो हमने नहीं कट किया इस वजह से नए ब्रांचेस नहीं निकले हैं। अगर हम जो पौधा है, पौधा में अगर सूखा हुआ फूल हटा देते हैं देन क्या होता है, उसमें नए ब्रांचेस निकलने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसके जड़ में आप देख पाओगे मिट्टी बहुत टाइट है। जी हाँ, अगर मैं आपको नज़दीक से जड़ दिखाऊँ, मतलब जहाँ पर हम मिट्टी दिए, देख पाओगे नज़दीक से, देखो देख रहे हो, ये देखो मिट्टी, इसका मिट्टी देखो कितना टाइट है। ये मिट्टी टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौधे में, गमले में जो भी पौधे लगाते हैं हम, तो गमले में ही क्यों, ज़मीन पे भी लगाते हैं तो उसका मिट्टी टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे ज़मीन पे तो जल्दी होता नहीं है, ये चीज़ गमलों में ही होता है, क्यों, मिट्टी टाइट होने की वजह से क्या होता है, ग्रोथ पौधे का उस रफ्तार से नहीं होता जिस रफ्तार से होना चाहिए। पहला कि मैंने बताया कि गुलाब का फूल जो सूखा हुआ है उसे कट करना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पे हमें मिट्टी जो कि इस तरह नहीं रखना चाहिए था टाइट वगैरह, इसे हमें थोड़ा सा किसी भी चीज़ से इसको मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए था, ठीक है, तो वो भी गलती है। तीसरा चीज़, इसका मिट्टी का जो यहाँ पे देख पाओगे बहुत कम है, लेयर जो है ये बहुत कम है, मतलब आधे से थोड़ा ही ज़्यादा है, तो इसमें मिट्टी और होना चाहिए था। तो ये तीन मेन वजह है। और चौथा वजह जो है पानी, इसे पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पड़ता है, इस वजह से भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाता, क्योंकि गुलाब के फूल में पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये पानी भी इसमें कम है, देख लो, हालांकि इसमें डाल सारे, बहुत सारे नए नए निकले थे जिसमें से फूल फल चुका था, यहाँ देख पाओगे इतने सारे भरे पड़े हैं, ये देखो इतने दूर तक ये डाल हैं, लेकिन इसमें नए डाल जो होने चाहिए, नए ब्रांचेज जो होने चाहिए वो नहीं है। चलिए इसका उपाय करते हैं फटाफट। इसमें जो पहला काम क्या करेंगे, इसका पहला काम करेंगे हम, इसका जो सूखा हुआ फूल है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि कट करेंगे तभी जो है इसमें नए ब्रांचेस निकलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और कट करने समय, अगला चीज़ मैं ये भी बता दूं आपको, कट करने समय एक और चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि पत्तियाँ दुखे हुए, कुछ 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 खाया लगता है, कीड़ा इसमें लगा हुआ है जो कि खा चुका है इसको, ठीक है। तो ये भी चीज़ एक है, इसका भी उपाय बताऊँगा कोई और वीडियो में, फिलहाल तो आज इसका हम निपटारा नहीं करने वाले हैं। ये जो पत्तियाँ देख रहे हो, ये कीड़े खा लेते हैं, इसका भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं उसमें देखो, गुलाब का जो फूल सूखा हुआ ये कट जो करना है हमें, ये कट करना है, यहाँ से कट नहीं करना है, एक जो फर्स्ट पत्ती जो होंगे, जो फर्स्ट पत्ती है उसके बाद कट करना है। देखो ये जो पहला पत्ती होगा गुलाब के बाद का, जो पहला पत्ती होगा उसको ले के कट करना है। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो है लास्ट तक जो नए ब्रांचेस हैं वो जल्दी निकलेंगे, अगर ये छोड़ देते हो तो जल्दी निकलने के चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको कट करना है, जैसे यहाँ पे मैं भी दिखाऊँ, मैं आपको ये पहला पत्ती है तो यहाँ से हमें कट करेंगे, देखो इस तरह से हम इसको कट करेंगे। तो जितने सारे यहाँ पे सूखे हुए फूल हैं फटाफट हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक कट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि इसमें नए ब्रांचेस जो हैं वो नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से सारे कट कर लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस चीज़ को लेके, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह आप जो है सारे गुलाब के फूल जो सूखे पड़े हैं
उसे आप कट करके हटा दो। इससे क्या होगा कि नए ब्रांचेस जो हैं वो निकलने का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जितने भी फूल हैं सूखे हुए उसे हटा देते हैं हम। यहाँ देखो इस तो फटाफट हमें हटा देना है। आई थिंक अब नहीं है, इतने सारे ये फूल हमने हटा दिए। अब जो नेक्स्ट काम करना है इसमें मिट्टी हमें थोड़ा सा एक यहाँ पे छूट गया है, इसे भी हम कट कर देते हैं। ठीक, तो इतने सारे हमने हटा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, मिट्टी जो है इसका मिट्टी को हमें सही करना है। मिट्टी सही करने के लिए इसे मिट्टी देना भी पड़ेगा ना, तो हमें इसमें मिट्टी देने के लिए पाओगे ये जो हमने मिट्टी लिया है ये कंपोस्ट और मिट्टी दोनों मिक्स है। इसमें सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें गाय का गोबर जो होता है सूखा हुआ पार्ट है उसे मैंने डस्ट बना के देन इसमें मिक्स किया है। तो पूरा सूखा हुआ होना चाहिए ये गाय का जो गोबर होता है। ठीक है, तो ये हमें मिलाना है इस मिट्टी में। तो इसको मिलाने से पहले ये जो मिट्टी है इसको हमें सही करना है, क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत टाइट है। देख पा रहे हो ये मिट्टी, ये देखो मैं इसे लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ ये मिट्टी हो ही नहीं रहा, बहुत टाइट है। तो इसे हमें पहले सही कर लेना है इस मिट्टी को। तो इस मिट्टी को फटाफट सही करते हैं, उसके बाद हम जो नए मिट्टी दे के इसमें मिलाएंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है जर्व फैलता है। नीचे का जर्व जब फैलेगा देन क्या होगा, पौधे में ग्रोथ होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, नए नए डाली डाल जो है वो निकलते हैं। तो इस तरह फटाफट आपको कर लेना, इसमें थोड़ा जर कटेगा जब भी ये चीज़ करोगे आप, और करना भी चाहिए आपको हर मंथ में इस तरह मिट्टी को करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी तभी जो है अंदर सांस जो है पौधा सांस भी जड़ से भी लेता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोचते हो कि पत्तियों से लेता, जड़ भी इसका थोड़ा साफ होना चाहिए। बार बार इसको हर महीने में एक बार इस तरह से कर देने से क्या होता है तो ग्रोथ अच्छा बना रहता है। नहीं तो क्या होता है जड़ उसका एक जैसा बना रहेगा तो उसका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो यहाँ हम देख पाओगे हमने ये कर दिया, देख रहे हो ये पूरा अंदर तक जड़ इसमें कटता है, थोड़ा बहुत जड़ कटेगा तो कोई बात नहीं, जड़ कटेगा तभी तो फिर वो नए जड़ निकलेंगे और फिर बहुत तेज़ी से पौधे जो है वो ग्रोथ करेंगे। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत जड़ कटता है, थोड़ा बहुत कटने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखोगे हमने बहुत हद तक इसे कर दिया। अब हम इसमें मिक्स करेंगे जो मिट्टी हमने लिया है, इस मिट्टी को इसमें डालते हैं फटाफट। ये जो डालेंगे कंपोस्ट हम डालेंगे, पूरा मिट्टी नहीं है यहाँ पर, देखो इसमें जो 50% कंपोस्ट मिला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर गुलाब के फूल में, क्योंकि गुलाब का फूल जो फलता रहता है और फिर नए फूल आते हैं ऐसा, और ये फूल जो है हर एक दो दिन पे जो फूल तो सूख ही जाता है फिर नया फूल आता है ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें कंपोस्ट का मात्रा ज़्यादा देना चाहिए। तो यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारा मिट्टी कम भी था, लेयर इसका 50 से थोड़ा ही ऊपर था इस गमले में, इतना गमला बहुत बड़ा नहीं है, ऊपर से मिट्टी भी बहुत कम है इसमें। तो हमने यहाँ पे मिट्टी का लेयर भी बहुत बढ़ाया है क्योंकि मिट्टी निकाला नहीं है इसमें से, जबकि मैं बहुत सारे प्लांट में क्या करता मिट्टी थोड़ा निकालता भी हूँ, लेकिन इसमें से निकाला नहीं हूँ, चेंज नहीं किया मिट्टी को, नई मिट्टी बस दिए हूँ इसमें मैं। देख पाओगे बहुत सारा मिट्टी इसमें लगा है। इस अब देखना ये कुछ दिन में इसमें बहुत सारे नए ब्रांचेस जो हैं वो निकल जाएंगे। जी हाँ, डेफिनेटली कुछ दिन में निकलेंगे, एक से दो दिन में इसे फ़र्क दिख जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, दो दिन में ही फ़र्क दिख गया था, उसमें नए ब्रांचेस जो है वो निकल के आ गए थे। तो इसमें भी दो दिन में जो है नए ब्रांचेस निकल के आ जाएंगे इस तरह के पौधे में। तो गुलाब के फूल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख पाओगे ये हमने मिट्टी ये पूरा कर लिया है। अब थोड़ा साइड करते हैं इधर, ताकि हम इसमें जो वाटरिंग करें तो इसमें पानी जो ये मिट्टी गिरा हुआ है इसमें पानी ना पड़े। देखो यहाँ पे हम करने वाले हैं वाटरिंग। अब इसमें पानी देने के लिए हमें जो है पौधे को ऊपर से भिगोएंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से पौधे में पानी नहीं पड़ा है, तो इस वजह से तो पत्तियों को देखो, पत्ती भी थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा है, ये देखो है ना सूखा सूखा, इसको भी ये वजह भी है पत्तियाँ जो ग्रोथ नहीं होने का पौधे में, इसको हमने बहुत लंबे टाइम से भिगोया नहीं है, तो इसे भी भिगोना ज़रूरी होता है। कुछ आप वीक में एक बार जब पानी डालो तो ऊपर से इसको भिगो दो, गर्मी है बहुत ज़्यादा है, गर्मी का टाइम है। ठीक है, तो ये भी हमें करना चाहिए। तो हमें जल्दी फटाफट करते हैं, तो फटाफट हम इसमें देखो, अब देखो पानी देने के बाद इसका जो है लाइट देखो कैसे किस तरह कितना अच्छा लाइट हो गया इसका पौधे का, पूरा लाइट करने लगा ये पौधा, देख रहे हो ऊपर से जब हम इसे भिगो दिए पौधे को, देख पाओगे ये देखो पूरा लाइट करने लगा। अब इसका जड़ में जो पानी देते हैं हम, पानी पूरा भर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सूखा हुआ था पहले से, और हमने इसमें क्या किया
मिट्टी दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे देखो ये पानी पूरा हमने इसमें भर दिया है। और पानी चाहिए भी इसमें, क्योंकि पानी ऑलरेडी सूखा हुआ था, नया मिट्टी है, इस वजह से पानी ज़्यादा चाहिए इसमें, तो हमने दे दिया। अभी ये एक से दो दिन में जो है इस प्लांट में पूरा ग्रोथ देखने को मिलेगा, नए नए टहनी इसमें जो है, नए नए ब्रांचेस जो हैं वो निकल के आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने केयरिंग सीखा गुलाब के फूल का। तो फिर मिलते हैं अगले कोई वीडियो में फिर से कोई नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।